गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा अपनी बुक ओपन कीजिए, ये आपकी एक्सरसाइज रह गई थी वो कंप्लीट करवा देती हूँ। अपनी हिंदी ग्रामर की बुक ओपन कीजिए। यस, हो गई सभी की ओपन। अब देखिए, इसमें मैंने आपका जो प्रश्न लय है यहां तक करवा दिया था। आपका पेज नंबर है 49, पेज नंबर 49। इसमें देखिए, वह प्रश्न वह निम्नलिखित अवतरणों से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं छाटिए। इनमें जो आपके ये लाइनें दी गई हैं, ठीक है, अवतरण दिए गए हैं, इनमें से आपको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक ये संज्ञाएं अलग करनी है। अब मैं आपको बोल रही हूं, आपने अंडरलाइन करके और उसके ऊपर लिख लीजिए, ठीक है, उसके ऊपर लिख लेना। यस, आजाद, आजाद, इसके ऊपर लिखिए व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सुखदेव, राज, ठीक है, राजगुरु थे ना, उनका शॉर्ट नेम दे रखा है राज। सुखदेव, राज, दोनों व्यक्तिवाचक है, अंडरलाइन करके और लिखिए ऊपर व्यक्तिवाचक। अभी मैं बाद में बात करूंगी। यस, अब लिखिए पुलिस, पुलिस, इसको अंडरलाइन कीजिए और लिखिए जातिवाचक, पुलिस। यस, इसके बाद जामुन, जामुन को अंडरलाइन कीजिए, इसके ऊपर लिखिए व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। पेड़, पेड़ को अंडरलाइन करके इसके ऊपर लिखिए जातिवाचक, जातिवाचक। यस, आजाद, फिर से देखिए नेक्स्ट लाइन में आजाद, इसके नीचे लिखिए व्यक्तिवाचक। गोलियां, गोलियां, इसको अंडरलाइन करके लिखिए जातिवाचक। अब देखिए नेक्स्ट सेकंड, वहां से हम सब प्रसिद्ध नगर मदुरई पहुंचे, इसमें नगर, नगर, इसको अंडरलाइन करके लिखिए जातिवाचक, जातिवाचक। मदुरई, मदुरई, व्यक्तिवाचक, मदुरई, व्यक्तिवाचक। यस, मीनाक्षी, मीनाक्षी के नीचे लिखिए, इसको अंडरलाइन करके लिखिए व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। मंदिर, मंदिर को अंडरलाइन करके लिखिए जातिवाचक। सुंदरता, सुंदरता को अंडरलाइन करके लिखिए भाववाचक, शॉर्टकट में लिख लीजिए भा, व्य, जा, ऐसे लिख लीजिए भाववाचक। भव्यता, भव्यता, इसको अंडरलाइन कीजिए, इसके नीचे लिखिए भाववाचक, भाववाचक। डन बेटा, यहां तक। यस, नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 50, पेज नंबर 50, पेज नंबर 50 निकालिए। इस पे देखिए थर्ड, लोग,
लोग को अंडरलाइन करके लिखिए जातिवाचक। गांधी जी इसको अंडरलाइन कीजिए व्यक्तिवाचक। गांधी जी के मन में एकाएक विचार आया कि आया और वे मुझसे कहने लगे शंकर लाल। इसको अंडरलाइन कीजिए और लिखिए व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक। हमने यहां आकर आकर ठीक है आना आना क्रिया से ये आकर भाववाचक संज्ञा बनी है भाववाचक। ठीक है भाववाचक लिखिए आकर को अंडरलाइन करके। भूल ये भाववाचक संज्ञा भूल बोलो भाववाचक संज्ञा। अब नेक्स्ट देखिए सुपरिटेंडेंट ये जातिवाचक संज्ञा। उचित सूचित सूचित भाव। यस बेटा सूचित सूचित भाववाचक संज्ञा सूचित भाववाचक संज्ञा। गांधी यस बेटा किसमें छोटे ऊ की यस। गांधी जी व्यक्तिवाचक। सूचित को अंडरलाइन करके लिखिए भाववाचक। गांधी जी व्यक्तिवाचक। आश्चर्य भाववाचक। खेद भाववाचक। सूचित भाववाचक। गांधी जी व्यक्तिवाचक। आश्चर्य और खेद दोनों का अंडरलाइन करके भाववाचक लिख लीजिए। अब देखिए आपका जो छह प्रश्न आता है इसमें आप ये आपके शब्द दिए गए हैं इनकी भाववाचक संज्ञाएं लिखनी है। ठीक है तो इसमें चोर का लिखिए चोरी चोरी। लंबा का लंबाई। यस निर्बल से निर्बलता। यस पशु से पशु। यस देव देव से देवत्व देवत्व लिखिए। यस साल साल से सालाना। बेटा माइक ऑफ करो। निशिता निखिल और लक्षिता माइक ऑफ करो। यस साल से सालाना। धोना से धुलाई। ठीक है तैरना से तैराकी। मूर्ख मूर्खता। हाँ यस चोर से चौड़ाई। चोर से चौड़ाई। ठीक है डन बेटा। अब देखिए छह निम्नलिखित वाक्यों को दिए गए शब्दों की भाववाचक संज्ञाएं भरकर पूरा कीजिए उसका। देखो आपके जो ये इधर दे रखे हैं व्यक्ति सावधान चढ़ना बहना। ठीक है तो इनसे भाववाचक संज्ञाएं बनाकर इन वाक्यों को पूरा करना है उसका व्यक्तित्व।
उसका व्यक्तित्व आकर्षक है, सड़क खराब है, सावधानी से चलो। सेकंड में सावधानी, सावधानी से चलो। इस पर्वत की चढ़ना से मेरा चढ़ाई, ठीक है, इस पर्वत की चढ़ाई, पानी का बहाव बहना से बहाव, कश्मीर का सौंदर्य है, यस लिखिए, सौंदर्य है, अद्भुत है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, आलसी दे रखा है, हाँ आलस्य, आलस्य। यह सेवन, हमारे कमरे की सजावट, सजाना से सजावट। यहां चारों ओर हरियाली, हरियाली है, ठीक है बेटा। आपकी ये एक्सरसाइज है कि कंप्लीट हो गई है? सभी माइक ऑफ रखो, माइक ऑफ करो सभी। यस, आ रही है आवाज? आ रही है बेटा आवाज? ठीक है, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इसको लर्न करना, इस लेसन को। अब अपनी बुक में निकालिए आप फिफ्थ चैप्टर, चैप्टर नंबर 5। विलोम या विपरीतार्थक शब्द, डन बेटा यहां तक सभी का? चैप्टर नंबर 5 ओपन कीजिए। यस, विलोम शब्द, ठीक है, विलोम शब्द। अब देखिए, विलोम या विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक क्या मतलब होता है? विलोम या विपरीतार्थक का उल्टे अर्थ वाले, विपरीत होता है उल्टे, ठीक है, उल्टे अर्थ वाले शब्द। देखो इसमें जैसे दिया गया है, आपका ये चित्र दे रखे हैं, राजा, ठीक है, एक दे रखा है रंग, तो राजा का विपरीत क्या होगा? रंग। जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे जीवन में सुख आया, ठीक है, सुख आया, अब सुख का उल्टा क्या होगा बेटा? विपरीत क्या होगा सुख का? दुख, ठीक है, दुख होगा। तो राजा का रंग, ठीक है, या आपकी इसमें बुक में दे रखा है निर्माण, निर्माण करना, और विध्वंस, विध्वंस होता है नष्ट, विनाश होना, नष्ट होना। तो आपके जो ये चैप्टर है, विलोम या विपरीतार्थक शब्द, ये क्या होते हैं? विपरीत या उल्टे, देखिए उल्टे अर्थ का बोध कराने वाले शब्द शब्द विलोम, ओम शब्द कहलाते हैं, ठीक है, कहलाते हैं। ये माइक ऑफ करो, अच्छी तरह माइक ऑफ रखो।
ठीक है बेटा। अब देखिए आपको अपने नोटबुक में कैसे लिखना है इनको। आप ऊपर डालेंगे पाठ 5 विलोम या विपरीतार्थक शब्द, और इस पर डेट डालिए आज की। डेट डालिए। पहले आप एक क्वेश्चन लिखेंगे, विलोम शब्द किसे कहते हैं? विलोम शब्द किसे कहते हैं? ठीक है, ये प्रश्न लिखकर फिर इसकी परिभाषा लिखेंगे जो आपकी बुक में दी गई है। ठीक है, ये परिभाषा लिखकर फिर आपके जो विलोम शब्द दे रखे हैं, ये सारे विलोम शब्द अपनी फेयर नोटबुक में आपको नोट करने हैं। आ गया समझ में सभी को? हाँ, ये विलोम शब्द सभी को अपनी फेयर नोटबुक में नोट। ये देखिए ऋषभ, माइक ऑफ करो। यस, अब देखिए पहला शब्द है अनुराग। अनुराग का विलोम क्या होगा? विराग। अपव्यय, मितव्यय, आस्तिक, नास्तिक। ठीक है, आचार, अनाचार, आदर, निरादर, अमृत, विष, अनर्थ। ठीक है, अर्थ, अनर्थ, आरोह। ठीक है, अनुकूल, प्रति, आकर्षण, विकर्षण। आकर्षण होता है किसी को अपने प्रति आकर्षित करना, और विकर्षण यानी कि उसको आकर्षित नहीं करना। एक, अनेक, ऐच्छिक, अनैच्छिक, कटु, मधु, कायर, वीर, क्रिया, प्रति, कोमल, कठोर। ठीक है, आदि, अंत, आवश्यक, अनावश्यक, आशा, हाँ, आलस्य, सफुर्ती, आसक्ति, विरक्ति, इच्छा, अनिच्छा। देखो, आसक्ति होती है किसी भी वस्तु के, किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारा मोह होता है। आसक्ति होती है, विरक्ति यानी कि वैराग्य उत्पन्न होना। ठीक है, वैराग्य होना। यस, आज्ञा, अवज्ञा, आदर्श, यथार्थ, अधिक, न्यून, आर्द्र, आर्द्र, शुष्क, आरंभ, अंत, निर्दय, सह। ये सहृदय भी हो सकता है। ठीक है, सही दे रखा है, सहृदय भी हो सकता है इसका। निर्मल, मालिन, निश्चित। बेटा इसको ना जो निर्दय, सह हृदय लिखो, इसमें दया और लिखिए कि गलत दे रखा है आपका। ये मिसप्रिंट है, दया और लिखिए इसमें सह हृदय। आपका जो निर्दय के का विलोम शब्द है सह हृदय, इसमें दया और लगाइए। ये ऐसे पहले दया लगाइए। निर्मल, मन, निश्चित, अनिश्चित, न्याय, अपकीर्ति, प्रत्यक्ष, परोक्ष, अनुकार, सड़क, उत्कर्ष। ये बेटा मैं आपको सारे एक बार इसलिए रिवाइज करवा रही हूं ताकि कोई मिस्टेक हो, जैसे अभी आई है मिस्टेक, तो आपको पता चल जाए। उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण होना है, पास होना, माइक ऑफ करो। मैं कितनी बार बोल चुकी, माइक ऑफ करो, माइक ऑन मत करो, मैं बोल रही हूं, आप सुनिए। ठीक है, उत्थान, पतन, उदय, अस्त, उद्धत, विनीत,
उपकार, अपकार, उपयोगी, अनुपयोगी, कृतज्ञ, कृतघ्न, संधि, विग्रह, सभ्य, असभ्य, वैध, अवैध, विजय, पराजय, वरदान, अभिशाप, सदाचार, दुराचार, महान, शूद्र, चंचल, स्थिर, चर, अचर, जन्म, मृत्यु, जय, पराजय, ठोस, तरल, दोषी, निर्दोषी, ठीक है, या निर्दोष, नवीन, प्राचीन, नरक, स्वर्ग, प्रशंसा, निंदा, लाभ, हानि, उच्च, निम्न, सृष्टि, प्रलय, स्थिर, अस्थिर, सार्थक, निरर्थक। ये तो मैंने आपके शब्द के दो भेद भी बताए थे ना, अर्थ के आधार पर। अब देखो, ये सृष्टि दोबारा से आ गया है, ठीक है, इसको एक बार ही लिखना, समीप, दूर। आपके ये विलोम शब्द है, अपनी फेयर नोटबुक में सभी को लिखने हैं। और बेटा, जो इसकी एक्सरसाइज दे रखी है, ये आपको अपने आप करनी है। जो इसमें से आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो वो मैं कल करवा दूंगी आपका, ठीक है। अपने आप करनी है, अपने आप करने की कोशिश करो, ठीक है। यस, ये विलोम शब्द आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। हाँ, शब्द अब ये निकालिए और इसकी एक्सरसाइज है, वो भी आपको अपनी नोटबुक, इसमें बुक में अपने आप करनी है, ठीक है। जो नहीं आएगा वो मैं कल फिर से करवा दूंगी। अच्छा, ये बताइए, हाँ जी, एक्सरसाइज फिल करनी है, विलोम शब्द अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है, अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। ऊपर डेट डालना, लेसन का नेम लिखना, ठीक है, और जो मैं लेसन रीड करवाती हूँ उस पर डेट लिखा करो। हाँ जी, हाँ, सारे लिखने हैं, ठीक है बेटा। ये होमवर्क आपको कंप्लीट करना है सभी को। यस, अब बताइए, नोटबुक कितने बच्चों की कंप्लीट नहीं है? देखो, कोई लीव नहीं करेगा क्लास, कोई बात नहीं, नहीं है तो कंप्लीट कर लेना। यस निखिल, मैं एक एक बच्चे से अभी पूछ रही हूँ, कोई लीव नहीं करेगा क्लास। निखिल बेटा, नोटबुक कंप्लीट है? यस। रजनी, ठीक है, वेरी गुड। रजनी, नोटबुक कंप्लीट है? ठीक है बेटा, मैं नोटबुक चेक भी करूंगी आपकी, ठीक है, हाँ, कंप्लीट रखना। गुरप्रीत, कंप्लीट है? बुक की एक्सरसाइज बुक कंप्लीट है ना बेटा? और अपना लर्निंग लर्निंग वर्क भी कंप्लीट रखना, ठीक है। मयंक, मयंक कंप्लीट है? ठीक है बेटा, वेरी। लक्षिता कंप्लीट है? वेरी गुड। जिया, जिया, यस बेटा, नोटबुक कंप्लीट है? जिया, आवाज नहीं आ रही आपकी, चलो कोई बात नहीं, माइक ऑफ करो। जिया, ये दर्चाना वाली जिया है? यस बेटा, नोटबुक कंप्लीट है? वेरी गुड। यस, नैतिक,
कंप्लीट है बेटा, मैं चेक करूंगी ठीक है। सभी की नोटबुक विद डेट कंप्लीट होनी चाहिए। आशु आशु कंप्लीट है, वेरी गुड बेटा। उत्तम, जिसकी नहीं है कंप्लीट बता दीजिए, कोई बात नहीं, कंप्लीट है। जिसका जो वर्क कंप्लीट नहीं है आप बता दीजिए, आपके पास अगर वो वर्क नहीं है तो भी बता दीजिए, फिर आपको सेंड कर दिया जाएगा, लेकिन नोटबुक कंप्लीट करके रखो। मैं किस लिए पूछ रही हूँ आपसे? यस अंजलि, अंजलि अंजलि, भूमिका, बेटा नोटबुक कंप्लीट है। अच्छा एक्सरसाइज बेटा, ट्विंकल, नोटबुक कंप्लीट। अच्छा वो कर लेना है ठीक है बेटा। हाँ यस वेरी गुड। जाट, ये कौन है? यस बेटा नेम बताइए, ये जाट नाम से कौन है ये? यस नेम बताइए अपना, बेटा अपना नेम बताओ कौन है। यस बेटा, भूमिका, बेटा उसमें फाइव है आपके संज्ञा वाले ना। हाँ लास्ट क्वेश्चन है आपका उसमें, जो आपकी वो दे रखी है ना इसमें, ये अलग कीजिए। हाँ समूहवाचक वो अलग कीजिए, वो है लास्ट क्वेश्चन आपका ठीक है। यस बेटा, ये जाट नाम से कौन है, ये अपना नेम बताइए जल्दी से। मनीषा, कल का नहीं है तो बेटा कर लेना ठीक है उसको कम। यस ऋषभ, बेटा वीडियो देखो और उसको कंप्लीट करो ठीक है। हाँ वीडियो देखकर उसको कंप्लीट करनी है, आज की कंप्लीट है जो मैंने करवाई है अभी। यस अभी जो मैंने करवाई है वो कंप्लीट क्यों नहीं है? बेटा आप काफी देर से ज्वाइन थे, आपका माइक बार बार ऑन हो रहा था। बेटा इसको भी कंप्लीट करो ठीक है। यस प्रिंस, प्रिंस हाँ बेटा नोटबुक कंप्लीट है। ठीक है रीडर में क्या रहता है बेटा आपका? अच्छा महाभारत में क्या रहता है लास्ट वाला? ठीक है आपके पास, हाँ आपके पास वीडियो होगी ना? ठीक है वेरी गुड बेटा। ओके हर्षित, यस धर्मेंद्र, धर्मेंद्र, सत्य, यस बेटा नोटबुक बताइए कंप्लीट है। पत्र के बाद बेटा मैंने आपका ये 11 चैप्टर है इसकी पीडीएफ भेजी है, 11 चैप्टर रीड करवाया है मैंने। हैं ये संज्ञा हिंदी ग्रामर में बेटा, ये तो मैंने कल ही सेंड कर दिया था तो आप कल देख। हाँ कल की कोई बात नहीं, आज देख लो, कल की पीडीएफ है देखना ठीक है, पीडीएफ लिंक है उसमें से करना ठीक। यस सत्य, यस ओके बेटा उसको कंप्लीट कर लेना ठीक है। यस छवि, देखो यस अक्षत,
अच्छा, और सारा कंप्लीट है? ठीक है, उसको भी कर लेना बेटा। ओके। छवि, छवि, छवि बेटा, आवाज आ रही है? छवि, ये देखो, नोटबुक में चेक करने के लिए बोल रही हूँ तो बच्चे लीव करके जा रहे हैं। बेटा नोटबुक तो कंप्लीट करनी पड़ेगी। अब आप स्कूल में आओगी तो आपको ही प्रॉब्लम होगी, होगी या नहीं? फिर फोटोकॉपी करवाओगे? चलो अपनी नोटबुक कंप्लीट करना, और जितना करवा दिया है उसको साथ के साथ लर्न भी करते रहना, ठीक है बेटा? ठीक है। अच्छा आप बताइए, कोई प्रॉब्लम है आपको जो मैंने अब तक करवाया है? किसी के पास पीडीएफ नहीं अभी है? देखती हूँ, चल। पापा स्कूल नहीं है, मम्मी पापा बताइए, फिर मैं सेंड कर दूंगी आपके पास कहाँ हैं? पापा उसको फिर से। कहाँ? यस बताइए, सभी की कंप्लीट है? अरे उस दिन तो आप बोल रहे थे मैडम हमारा ये कंप्लीट नहीं है, ये भेज दो। ठीक है बेटा, ठीक है, अपना ध्यान रखना। चलो अब लीव करो क्लास। बाय बेटा, बाय। यस जल्दी कीजिए अक्षत।